अब बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो मधु जी ने हमें इंदौर से भेजी है। इन्होंने हमें एक ऐसी रेसिपी भेजी है जिसको बना के आई एम श्योर कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हम बनाने जा रहे हैं स्टीम्ड मोदक, तो जल्दी से बनाते हैं। वैसे मोदक तो कहते हैं लड्डू को, और इस लड्डू के अंदर हम थोड़ी सी स्टफिंग भी भरेंगे। तो बताता हूँ कि उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए। हमारे पास यहाँ पर है चावल का आटा, गुड़, कोकोनट यानी कि नारियल, इसको हमने कद्दूकस कर रखा है। हमारे पास यहाँ पर है इलायची का पाउडर, नमक, दालचीनी का पाउडर, देसी घी, किशमिश, बादाम और काजू। बनाना शुरू करें। हाँ जी। सबसे पहले स्वाति जी, हमारे पास यहाँ पर एक कढ़ाई है और इसकी फ्लेम हम ऑन कर देते हैं, और इसके अंदर डालते हैं गुड़, 100 ग्राम गुड़, और इसके अंदर हम इतना ही कोकोनट डालेंगे 100 ग्राम। इन दोनों चीजों को डाल के हम इन्हें अच्छी तरह भून लेंगे। बेसिकली अभी हम मोदक के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, तो इसमें स्टफिंग होगी नारियल की। तो ये देखिए, ये हमने गुड़ और नारियल को हमने अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब इसकी फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इस मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल में डाल लेते हैं। चलिए, ये मिक्सचर हमारे पास यहाँ रेडी है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ चीजें, इसके लिए चाहिए मुझे स्पून। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं इलायची पाउडर, करीब 1/4 चम्मच, चुटकी भर नमक, बहुत कम, दालचीनी पाउडर, ये भी करीब 1/4 चम्मच, और इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें काजू, 1 चम्मच बादाम और 1 चम्मच किशमिश, और इसको अब हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। इसे हम साइड में रखते हैं और इसी कढ़ाई में हम डालते हैं करीब 1 बड़ा कप पानी। इस पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच घी, 1 चम्मच देसी घी, और इसको भी हम अच्छी तरह इसमें मेल्ट कर लेते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं स्टीम्ड मोदक का, जो मोदक का मिक्सचर है जिसके अंदर हमें स्टफ करना है, हम वो चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो जब तक हम इसको बना रहे हैं तब तक हम स्टीमर की भी फ्लेम ऑन कर देते हैं, ताकि साथ साथ स्टीमर में भी पानी गर्म होता रहे। पानी यहाँ पर बॉईल हो गया है, इसमें हम देसी घी ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं ये राइस फ्लावर। ठीक है, राइस फ्लावर हमारे पास यहाँ पर करीब 150 ग्राम है। देखिए, इसको हम अच्छी तरह मिला लेते हैं और अब इसे हम झट से बंद कर देते हैं इसका ढक्कन, क्योंकि अब इसको चाहिए थोड़ी सी स्टीम, जिसके अंदर ये राइस फ्लावर अपने आप थोड़ा सा स्वेल होगा। फ्लेम इसकी ऑफ कर देते हैं, जितना गर्म पानी था वो हम कर चुके हैं। इसे करीब हम 5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। 5 मिनट के बाद आप इसे निकाल सकते हैं, उसके बाद आप इसका एक डो बना सकते हैं। उसके बाद आप जब इसे डो बना रहे हो, इसका थोड़ा सॉफ्ट डो बनेगा, अगर आपको लगता है कि काफी हार्ड है तो इसके अंदर थोड़ा सा और पानी आप डाल सकते हैं। 1-2 टेबलस्पून से ज्यादा पानी नहीं लगेगा, तब आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा राइस फ्लावर और डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसे हम साइड में रखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ऐसा ही डो हमने पहले से बना के रखा है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो है ये। अब हमें इस डो की डंपलिंग्स बनानी है। ये देखिए, एकदम इसे गोल डंपलिंग्स बना लेंगे, ऐसे करीब 4-5 डंपलिंग्स बना लेते हैं। तो देखिए, काफी बड़े डंपलिंग्स हम बना रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जैसे लड्डू की शेप होती है, फिलहाल तो हम इसको यही शेप दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा क्रेटर भरेंगे, जैसे कि आप कहते हैं कि गड्ढा करेंगे, और इसके अंदर हम ये स्टफिंग भर देते हैं इस तरह से, और फिर इसे हम बंद कर देते हैं, और उसके बाद हम इसे एक और तरह की शेप देंगे, जैसे पिरामिड की शेप होती है, थोड़ी सी कोनिकल। ये देखिए, इस तरह से हम इसको शेप देंगे। तो चलिए, बाकी के मोदक को भी हम शेप दे देते हैं। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर करीब 5 मोदक बना दिए हैं, और अब हम देखते हैं कि स्टीमर का पानी उबला कि नहीं। वैसे सीटी तो बता रही है कि पानी उबल गया है, तो इसकी फ्लेम फिलहाल ऑफ कर देते हैं। और इस स्टैंड को निकाल लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं ये प्लेट,
और इसके अंदर हम ये मोदक प्लेस कर देते हैं, इस तरह से वापस रख देते हैं स्टीमर में। इसकी फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसे हम स्टीम करेंगे। ये भी स्टीम होंगे करीब 10 से 12 मिनट तक और तब हम इसे निकाल कर सर्व कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब तक तो मोदक पक चुके होंगे, तो स्टीमर का ढक्कन हम उठा लेते हैं। ठीक है स्वाति जी, ये देखिए एकदम पक चुके हैं, ये बाहर से भी एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको उठा के सर्विंग प्लेटर में डाल देते हैं। ये लीजिए मोदक तो हमने इसमें डाल दिए हैं, अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर है कुछ टूटा हुआ काजू, थोड़ा सा बादाम, और थोड़े से किशमिश। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने इसके अंदर डाले वही हमने इसके बाहर डाल दिए। तो ये स्टीम डिश आपको कैसी लगी स्वाति जी? हेल्दी तो है, देखने में भी काफी डिलीशियस लग रही है, बाकी टेस्ट करने पर पता चलेगा। बिल्कुल टेस्ट कीजिएगा जरूर, और आई होप कि आप जब इसे बनाएंगी अपने घर पे तो एक और स्टीम्ड एग्जांपल हो जाएगा घर के लिए। और थैंक यू स्वाति जी कि आप हमारे शो पर आई। चलिए यहाँ पर हमारे पास तैयार है स्टीम्ड मोदक, जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कीजिए ताकि आप इसे अपने घर में भी बना सके। स्टीम्ड मोदक बनाने के लिए आपको चाहिए चावल का आटा 150 ग्राम, गुड़ 100 ग्राम, कसा हुआ नारियल 100 ग्राम, पिसी इलायची 1/4 छोटा चम्मच, नमक 1 चुटकी, पिसी दालचीनी 1/4 छोटा चम्मच, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, किशमिश 1 छोटा चम्मच, बादाम 1 छोटा चम्मच, काजू 1 छोटा चम्मच, पानी 1 कटोरी। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक कढ़ाई में गुड़ और कसा हुआ नारियल भुनें। अब इसे एक बर्तन में लें और इलायची, दालचीनी, नमक और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। एक कढ़ाई में पानी गर्म करें, इसमें घी और चावल का आटा डालें और ढककर पकाएं। इस मिक्सचर के गोले बनाएं। अब इसमें स्टफिंग भरें और मोदक बनाएं। मोदक को 10 से 12 मिनट तक स्टीम करें, ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और सर्व करें।